नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज अपने बात करने जा रही हैं पंजाब में पटवारी की जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नई रिक्वायरमेंट जो भी आती है उसकी अपडेट हम आपके मोबाइल पर सबसे पहले देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए अपने प्रारंभ करते हैं। पंजाब पटवारी रिक्वायरमेंट 2023 एस एस ए नगर की तरफ से आई हुई है। SSA नगर की तरफ से ये भर्ती आई हुई है। पंजाब पटवारी 2023 की जो भर्ती है SSA नगर की तरफ से ये भर्ती आई हुई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 770 जो टोटल पोस्ट हैं, 770 टोटल जो पोस्ट हैं दोस्तों, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उससे संपूर्ण जो भी जानकारी इसमें जुड़ी हुई है सभी बात करेंगे दोस्तों। कैसे भर्ती आई, आप कैसे फार्म अप्लाई कर सकते हो, कब से अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है, पूरी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट आपको बताई दिया 770 पोस्ट हैं। ऑनलाइन अप्लाई होंगे, फॉर्म क्या है, ऑनलाइन अप्लाई होंगे। अप्लाई की जो इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट SSA.punjab.government.in पर ऑनलाइन ये फार्म प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों। उसके डिटेल की अपने बात भी करने जा रही है। देखिए अप्लाई कब से होगी, 23 फरवरी 2023 से ये फार्म प्रारंभ हो गए और 20 मार्च 2023 तक ये फार्म है, क्या लास्ट डेट है दोस्तों, फार्म की लास्ट डेट है 23/2 से ये फार्म प्रारंभ होने जा रहे हैं। यानी आज 23 तारीख अपने वीडियो बना रहे हैं और 20 मार्च तक इसके फार्म है जो ऑनलाइन अप्लाई होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल वाले इसमें फार्म भर सकते हैं दोस्तों, जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं वो इसमें फार्म भर सकते हैं। बात करें इसमें थोड़ा सा दोस्तों ने एक्सपीरियंस का जिक्र किया हुआ है कि 120 घंटे आपके पास, कम से कम 120 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि किसी सेंटर में ऑफिस में होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट द्वारा अथॉराइज्ड हो। उस ऑफिस में आपका 120 घंटे का क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने जो मांगा है। फिर अगर बात करें क्वालिफिकेशन में तो 10वीं पास हो 10वीं में आपके पास क्या होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए। 10वीं में आपके पास पंजाबी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, आपसे लिखित उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि इस बार पंजाब में अगर आपके पंजाबी है तो उसको लिखवा कर भी देखा जाता है एक, ठीक है दोस्तों। ग्रेजुएट लेवल पर ये भर्ती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 19,900 से प्रारंभ हो जाएगी और इंक्रीजिंग होते होते ये बहुत आगे तक बढ़ जाती है दोस्तों। फीस की बात करें जनरल की बात करें तो 1,000 रुपये फीस है और ST और BC की बात करें तो 250 रुपये इसकी फीस रहेगी। पंजाब पटवारी की अपनी जो है भर्ती की बात कर रहे हैं, यानी पोस्ट डिटेल की बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज अपने जो है बात करेंगे दोस्तों। हाँ, उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इसका एग्ज़ाम होगा MCQ, यानी आपसे लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ये भी आपको बता दूँ। बात करेंगे टोटल पोस्ट की, कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट मेल और फीमेल की बात करें। जनरल की बात करें तो 266 पोस्टें हैं, 91 फीमेल की और 175 है जो मेल कैंडिडेट की। EWS की बात करें तो 76 टोटल है, 24 और 52। SC MP और SC RO की बात करें तो SC MP में है जो 90 टोटल सीट है, 35 और 55। SC RO की बात करें 64, 28 और 23 है जो अलग अलग है दोस्तों। BC की बात करें टोटल 79 है और फीमेल की 30 और मेल की 49। ESM जनरल की बात करें तो 42 सीटें टोटल, और बात करें फीमेल की 16 और मेल की 26 सीटें हैं। ESM SC की बात करें तो 25 और 3 फीमेल की, और उसके बाद दोस्तों जो सॉरी 4 फीमेल की और 21 एक जो फीमेल की होगी। फिजिकल हैंडीकैप की बात करें, टोटल पोस्टें फिजिकल हैंडीकैप के लिए 26 पोस्टें हैं, 13-13 इन्होंने बांट दी है। स्पोर्ट्समैन ऑल जनरल OBC SC सभी इसमें आ जाएंगे, तो 20 पोस्टें टोटल हैं, फीमेल की 17 है और मेल की 13। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 5 टोटल पोस्टें हैं, 2 इसकी क्या है दोस्तों,
फीमेल की और 3 मेल की। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने पंजाब पटवारी भर्ती के बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।